अगर आज मैं फूलबाग बस्ती नहीं जाती तो गरीब लोग बेचारे घर से बेघर हो जाते। लेकिन वहाँ तो हमने देखा कि हमारे पति जी कहीं गुस्से में लग रहे थे। कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूँगी। अरे मेरे महबूब, शायद आज कुछ नाराज है मुझसे। मेरे महबूब, शायद आज कुछ वो कितने पास हैं मेरे, वो कितने दूर है मुझसे। वो कितने पास हैं मेरे, वो कितने दूर हैं मुझसे। वो कितने पास है मेरे, मेरे महबूब, शायद आज कुछ नाराज है मुझसे। मेरे महबूब, क्या बात है प्राणनाथ, मुझे माफ करना। अरे नाथ क्या बात है जो खफा हो गए। हाँ प्राणनाथ, नाथ क्या बात है जो खफा हो गए। अरे पैर छूते ही मुझको झटक ही दी। नाथ क्या बात है, अगर मुझसे अनजान में कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। जानना चाहती है कि हम काहे के लिए खफा है। हाँ प्राणनाथ, ये जानना चाहती है। हाँ, बच्ची को पालने पर लिटा, लिटा पालने पर। ये जानना चाहती है कि हम काहे के लिए खफा है, ये जानना चाहती है। जानना चाहती है काहे के लिए खफा है। हाँ प्राणनाथ, मेरे पास आ, आ शप्पा। जानना चाहती है काहे को हम खफा है। हाँ प्राणनाथ, क्या बात है। ये राइफल जिस जगह रहती है उसी जगह रख कर जा, और सुन, उसी जगह हमारा हंटर है, लेकर आ रहा। हम काहे को खफा है ये जानना चाहती है। जानना चाहती है काहे को हम खफा है, जानना चाहती है, जानना चाहती है काहे को खफा है हम। क्या बात है, ले आई हमको दे। क्या चीज है ये प्राणनाथ? ये हंटर है। ये है हंटर है, किस पर इस्तेमाल होता है ये प्राणनाथ? जो कोई गुनाह करता है उस पर, गुनहगारों पर। गुनहगारों पर इस्तेमाल होता है ये। हाँ प्राणनाथ,
मैं तेरा कौन हूँ? आप हमारे पति हैं। तू मेरी कौन है? मैं आपकी पत्नी। पत्नी का कर्तव्य क्या है? पति की आज्ञा का पालन करना। हमारी आज्ञा का पालन किया? क्या नहीं किया मैंने? हमारी आज्ञा का पालन किया? हमारी आज्ञा का पालन किया? मैंने आपके साथ क्या नहीं किया बताइए? क्या नहीं किया? हाँ, हमारे पूछने का मतलब ये नहीं है। हमारे पूछने का मतलब ये नहीं है। कर्तव्य क्या है तेरा? हमारी आज्ञा का पालन किया? मुँह दिखाने के काबिल ना तूने रखा। मुँह दिखाने के काबिल ना तूने रखा। और चल निकल इस हवेली से वो बेहाया। नाक कटवाली मेरी बस्ती में जा। मेरे हुक्म के बगैर बस्ती में जाने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं प्राणनाथ, नाक कटवाली मेरी बस्ती में जा। और जा, तालाक तुझको अब मैं देना। हमेशा हमेशा के लिए मैं तुझे अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ। जा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। तेरे अभाव आचरण हमारी बीबी बनने के काबिल नहीं है। जा। प्राणनाथ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये जेवर उतार। जितने जेवरात पहन रखे हैं सारे उतार। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे क्रोध की प्रचंड ज्वाला भड़क उठे। माँ बेटी को हवेली के अंदर जिंदा जला दूं। ये जेवर उतार। उतार नहीं, इस बच्ची को गोली मार दूं। खोपड़ी डिस्टर्ब मत कर, उतार। बस्ती के लोग जयकारा लगाया होगा। कौन आई है? ठकुराई नहीं है। ताल पीट पीट कर स्वागत किया होगा। अरे ठकुराई नहीं है। लाजेवर उतार। हमको दे। ठकुराई नहीं है। बस्ती के लोग स्वागत किया होगा। हमको दे। यहां से चली जा। जा चली जा।
जगन्नाथ, यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन आप एक बात मेरी भी सुन लीजिए, जिसके कहने से आप मुझे अपने से दूर करते हैं, वो दोस्त नहीं, दोस्त की शक्ल में एक काला नाग है, एक दिन आपको ऐसा डसेगा, ना ही आप जमीन के रहेंगे और ना ही आसमान के। हाँ प्राणनाथ, चली जा, चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू औरत होने पे पछताए, चली जा। अरे भाई साहब, अरे राम रे राम, अरे हमार तो देखा नहीं देख जात रहा जवान। हमरो भाई यही मार मा तो भाई हम रैदास से खींचन। अरे यार रैदास नहीं बोलते हैं, उसको हैदास बोलते हैं। हाँ, चलिए ये खबर बलन ठाकुर से बताया जाए। नीक नीक मेरे तुम्हारे दोस्त ठाकुर बलकरण सिंह इतना मारा मार पीट करके गहना जेवर सब छीन लिए, कपड़ा लस्ते उतार कर हवेली के बाहर निकाल दिए। चलिए चलिए। ओ ठाकुर साहब आए, ठाकुर साहब आए, ठाकुर साहब आए। लाओ लाओ कुर्सी, लाओ कुर्सी, लाओ छोटका ठाकुर का, बैठाओ बैठाओ लंबरदार। ये हमारी हवेली में क्या करने आए हैं, कहीं यहाँ भी तो नहीं हमें। जरा रे आगे जा रहे, आगे जा। एडवांस मत बोल मालिक। इधर आ। हाँ बताइए। ये राइफल जिस जगह रहती है उसी जगह रख कर रामफल के रखिए। और सुन, उसी जगह है हमारे हंटर हैं, लेकर आना, दो लाना रे। जौन कहाँ ठाकुरन का मामला है, जौन कहाँ लंबरदार। बोलने का टेम्परेचर हाई ना हो, हम खुद अभी बुलकारेंगे। देसी गाय बिलाती बछड़ा। लीजिए मालिक। ले आए। हाँ हाँ मालिक। कहाँ पे खड़े हो? एक मिनट, तू भी अपने साइज से खड़े हो, बांध के बाहर मत जाना रे, नहीं छत छत के नीचे चला जाएगा, समझ गया? तो हमका दिखा रहा है। तू भी वहीं खड़ा रहना रे, शायद अंदाज के खड़े होना कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जितना पूछे उतना जवाब देना, कहाँ पे खड़े हो? आपके हवेली में बाबू साहब, तुम्हारी हवेली में। हमारी हवेली में क्या करने आए हो? हम आपको ठाकुर साहब, ए बलन ठाकुर का हुक्म हुआ कि हमारे दोस्त ठाकुर बलकरण सिंह गुस्से में होकर अब
रहे हैं, हो सकता है कि ठाकुरायन को अपनी गोली मार दे। अन्ना रे। हाँ रे। आए हो? वाह बाबू, समझावे खातिर अन्ना रे। हमको समझाने आए हो? हाँ हाँ मालिक। करे? हाँ हाँ बाबू हाँ। हमको समझाने आए हैं। समझाने आए हो? करे? हमको समझाने आए हो कि हमको कटमेहरा कहने आए हो? लंबरदारा गुलाम है बीबी क्या? नो बाबू, हम सब खुदे मजे के गुलाम हैं। ठाकुर कहाँ है? वो अपनी हवेली में बाबू। गुलाम है हम। अच्छा ये बिलरियाओ पहुर ने साथी है ना? हाँ। तो बूसिन का भक्ति है। औका ऐसा खिसियान है ये। चलिए ये खबर बड़े ठाकुर से बताया जाए, जितनी जल्दी सुबह चला जाए, भागते हुए पहुंचा जाए। चलिए चल। अरे कान्हैना धमकायो रे गोरिया, कान्हैना धमकायो ना। कान्हैना धमकाए रे गोरिया, कान्हैना धमकायो ना। कान्हैना धमकाए रे गोरिया, कटहर काटी सरंगी बनायो, नींबू काटी मंजीरा ना। सात तोरैया मंगल गावे, नाच बालम खीरा ना। कान्हैना धमकाए रे गोरिया। क्या खबर लाए हो रे? क्या हुआ? हुआ ये है बाबू साहब, हम लोग यहाँ से भागते हुए पहुँचे तो है, वहाँ क्या देखते हैं? क्या देखा? कि तुम्हारे दोस्त ठाकुर बलकरण सिंह अपनी ठाकुराइन जानकी देवी को जमकर पीट रहे थे। बहुत अच्छा कर रहा था रे, और हम यही तो चाहते रे, क्योंकि ठाकुरैया ने हमको बेईमान बोला। पेवर रोका तो नहीं रे? नो बाबू, इतना मारा मार पीट करके सब कपड़े लस्ते उतरवा लिए, गहना जेवर सब छीन कर हवेली के बाहर निकाल दिए। बहुत अच्छा किया रे। अरे हम यही तो चाहत है, क्योंकि हमने ठाकुरैया से कहा था ना कि जब तक हम तुझे एक टुकड़ी रोटी के लिए गली की खाक न छनवाया तो हम अपने को हरकरण सिंह खुराना नहीं कहलाऊंगा। एक काम करना। वो कौन सा काम? वो बलकरण मेरे पास जरूर आएगा तो, लेकिन जैसे ही वो आए वैसे ही हम कहेंगे तुमसे कि मुन्नीलाल और चुन्नीलाल इसका मूड गर्म है और ठंडा करने का इंतजाम करो, तो सब सम्मान जुटा के रखना। जी 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 बाबू, ठीक है ठीक है। हमें तो लग रहा है कि बीबी की फटकार सुनकर फिर मुंह बनाकर आ गया है। ठाकुर, अगर आप रोक ना दिया होता ठाकुर, तो साली को गोली मार देता। लेकिन इतना जरूर किया हूं ठाकुर कि हमेशा हमेशा के लिए
हमने अपनी बीबी जानकी को घर से बेघर कर दिया। बहुत गलत काम किया बलकरण तुमने। अरे हम ये थोड़ी कहकर भेजे थे कि तुम यहाँ से जाओ और अपनी बीबी और बच्ची को घर से बेघर कर दो। अरे बीबी की तो बात छोड़, तुझे उस मासूम बच्ची का तो ख्याल करना था। हे ठाकुर, हमारी हवेली के दहलीज में जानकी ने कदम भी रखा तो उसके इतने टुकड़े करके उसके मायके भेजूंगा कि उसके मायके का कोई कुत्ता भूखा नहीं सोएगा। बैठो बैठो। अरे हम जानते हैं कि बलकरण का मूड गर्म है, ठंडा करने का इंतजाम करो। जाओ। ठाकुर, आज इतनी पीऊंगा, इतनी पीऊंगा कि एक सांस में सारा मैखाना खाली कर दूंगा। ठाकुर, ये बलकरण सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन आपका अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। कभी नहीं बाबू, और पियो। ठाकुर, अगर आपका इशारा हो तो इस इलाके में अभी आग लगा दूं। ऐसा मत करने को छोटे ठाकुर। मुन्ने लाल, बाबू साहब, हमारी राइफल ला तो इन सबको गोली मार दे। नहीं बाबू, बाबू आउट पिलाई, आउट पिलाई। ठाकुर, जाते वक्त जानकी ने एक शब्द बोला है। जाते वक्त जानकी ने एक शब्द बोला है। क्या बोला है? उसने कहा कि नाथ, जिस इंसान का तुम साथ दे रहे हो, थोड़ी पी लो। हाँ पी लो पी लो। जिस इंसान का तुम साथ दे रहे हो वो इंसान की शक्ल में काला सांप है। एक दिन तुम्हें ऐसा डसेगा ना जमीन के रहोगे ना आसमान के। मैंने शाली को जूतों से मारा, मार कर दिखाऊं? और पिला रे, और पिलाओ बाबू, और पियो। मार कर दिखाऊं रे बाबू, मारूंगा तेरे को। और पिला रे, जूतों से मारा साली को। पियो। बच्ची का वास्ता दे रही थी, मारूं साली को? नहीं बाबू, और पिला रे, और पियो बाबू, और पियो। जा दियो, अगर हम और हमारे भाई चह गए तो रोड से लेकर औरतों की लाइन लगवा देंगे। औले बाबू, औले औले बाबू, और पिलाओ, और पिलाओ, और पिलाओ। हे ठाकुर, गोली मार दूंगा। मुन्नीलाल, क्या हुआ है? क्या कर रहा है? गोली मार दो बाबू साहब। ये ले लो ठाकुर। ये क्या है ठाकुर? स्टाम्प है और ये फाउंटेन पेन। अरे हुंडल पेन। ये क्या है ठाकुर? बलकरण, इसमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है? इसमें ये लिखना है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में
क्या मैं नशे में हूँ क्या? ये कौन कहता है? और पिलाओ रे। और पिलाओ, और पिलाओ, और पिलाओ। मैं अपने पूरे होश हवाश में अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी जायदाद, हाँ हाँ, अपनी सारी प्रॉपर्टी, यार अपनी सारी प्रॉपर्टी हरकरण सिंह खुराना के नाम करता हूँ। आपके नाम? हाँ, हमारी पापाल्टी तुम्हारी और तुम्हारी पापाल्टी हमारी। घर घर इनमें तो है तुम्हारा इनका नारे है। हे ठाकुर, हम दोस्त ही नहीं दो जिस्म एक जान है। हाँ, वो तो हम जानत है। मेरी प्रॉपर्टी आपकी और आपकी प्रॉपर्टी मेरी। ब्यूटीफुल, लिखो। मैं हरकरण सिंह के नाम करता हूँ। नीचे अपना सिग्नेचर मार दो, दस्तखत कर दो। दस्तखत कर दो। ठाकुर बलकरम सिंह। बाकी का काम लाइए, हम वकील साहब से करवा लूंगा। सिगरेट पिलाया, सिगरेट पिला मुन्ने ने। आ रहा है वो तो मेट्रो से लगा आ रहा है। सिगरेट पिलाया, तेरे को मारूंगा। अपनी बीबी का जब तू हुआ है नहीं साथ, हरदम हमारा निभाएगा क्या? इसका पोजीशन डाउन कर रहे हैं। ठाकुर, जब तू अपनी बीबी और मासूम बच्ची का नहीं हुआ तो हमारा साथ क्या निभाएगा रे? बोल ठाकुर। समझा समझा, मुझे पैर से मार रहे हो? मुझे पैर से, तेरे कहने से ठाकुर सब मैंने किया, बीबी बच्ची को घर से दिया है भगा, दोस्त बन कर के संग में तका कर रहा, नाग विषधर तू बन कर मुझे डस लिया। बीबी बच्ची का अपने हुआ तू नहीं साथ, हरदम हमारा निभावेगा क्या? सारी जायदाद लिख दी मेरे नाम है, इस हवेली में तेरा ठिकाना नहीं। अरे, जब तू अपनी बीबी का नहीं हुआ और अपनी मासूम बच्ची का नहीं हुआ तो हरकरण सिंह खुराना का साथ क्या निभाएगा? ठाकुर, हम अपनी बीबी को समझ नहीं सके,
उसने सत्य कहा था, सत्य कहा था उसने, तू बेईमान है। अरे तू डर बेईमान है। मैं बेईमान। साला बीबी के कहने से दुम दबा कर चला गया था। ठाकुर चला जाऊंगा, चला जाऊंगा ठाकुर। ये बलकरण सिंह भी न लंगड़े घोड़े की सवारी करता है और न दगाबाज दोस्त के साथ रहता है। ठाकुर मैं चला जाऊंगा, तू दोस्ती के काबिल है ही नहीं। ठाकुर तेरी हवेली में क्या, तेरी रियासत में बलकरण सिंह कदम नहीं रखेगा। लेकिन ठाकुर मुझे नशे में करके जिन स्टाम्प पेपर्स पे तू हमारी जायदाद लिखवाई है वो कागजात दे दे, मैं चला जाऊंगा। वो कागजात दे दे ठाकुर, भीख में मांगता हूं तुझसे, विनती करता हूं, चला जाऊंगा। बलकरण जी में तो आता है कि छह गोली तेरे सीने में उतार दूं, चला जा। और देखने वाले ये सोचे कि ये बलकरण का सीना या मधुमक्खियों का छत्ता है, चला जा। क्या देखते हो रे, थक्के मार कर निकाल दो साले को, निकाल। मुनीलाल अब एक काम करो, इसी वक्त बलकरण की हवेली में ताला लाग कर दो। और हाँ, अच्छी निगरानी करो। क्यों नहीं, अगर ये दोबारा हवेली की तरफ आता है तो मार दो साले को गोली, जो होगा हम देख लेंगे।